हम है ही ब्राइट लोग हैं, ब्राइट लोग ब्राइट कलर के कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है? पिंक। आई एग्री। ओह ये था ना हार्ड एकदम। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, मैं ये हर साल करती हूँ, मैं बनने के लिए बट थैंक्स टू हिम यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट दिस टाइम बट थैंक्स टू हर कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, क्योंकि जब भी ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर वी कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग या कुछ सीखने मिलता है, मैं तो नहीं रुकता कभी चला जाता और नायरा भी ऐसी है। मेरा सेलिब्रेशन हमेशा ऐसा ही होता है, एक होता है कि मैं सुबह स्पेशल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर अपने मॉम को लंच पे लेके जाती हूँ, एंड शाम का टाइम जो होता है वो अपने फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिनर करती हूँ। आई हैव नेवर रियली थ्रोन पार्टीज, यू नो आई नायरा आ जाती है लोग पार्टी थ्रो कर देते हैं, तो नायरा है कि मैं पार्टी थ्रो कर देता हूँ। वेल नायरा जी के लिए मैं तो यहाँ आ गया, वही बहुत बड़ी बात हो गई। पर ऑन जोक्स अपार्ट, नायरा मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और ये जो वेब सीरीज़ मेरी आ रही है, एक्चुअली मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे करने के लिए, लेकिन मैं उसे हल्के में ले रहा था, फिर इसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे डांटा कर क्या रहा है तू, तुझे करना है तू कर क्यों नहीं रहा है, और मैं उसमें होता हूँ हाँ तू ऑफिस से लेती थी इमीडिएटली कॉल करता था, इमीडिएटली कर देता। यस मेरा कल ही एक रिलीज हो रहा है सिद्धार्थ कश्यप जी के बैनर में विद गौतम गुलाटी, एंड इस मंथ एंड एक और म्यूजिक रिलीज हो रहा है, दैट्स अ वेरी बिग सॉन्ग अगेन जून फर्स्ट वीक में भी। मेरे भी कुछ गाने हैं और एक गाना डेफिनेटली हम कर रहे हैं, एंड या एंड हमारी सीरीज भी आ रही है लिबास, लिबास सो या दिस इज द प्लान बाय दिस मंथ, इतने सारी चीजें तो होने वाली है। चलिए ऑडियंस को कुछ कहेंगे आपको? ऑडियंस को तो ये कहना चाहूँगी कि सी आई होप यू गाइस कीप ब्लेसिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग माय वर्क, आई होप आई कैन कीप एंटरटेनिंग यू एंड यूज माय फेम टू हेल्प पीपल एट माय एंटायर माय अल्टीरियर मोटिव एंड गोल इज दैट ओनली, सो या यही है कि यार बस आप हमें आगे पहुंचाते जाइए, आप हम जैसे एक छोटा सा ज़रिया बनते हैं जहाँ पर हम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, वैसे ही मीडिया और ऑडियंस हमारे करियर के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए एक ज़रिया है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम करें ताकि हम आगे बढ़ सकें और खुशियाँ बांट सकें और हम भी खुश रह सकें, एंड आप सबको ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। So मैं सिर्फ बोलना चाहूँगी इस बार इस साल मैं अपना ये सेलिब्रेशन अंताक्षरी आश्रम में कर रही हूँ, दिस आश्रम इज़ फॉर ब्लाइंड पीपल, बट थैंकफुली ब्लाइंड लोग कम हो गए, तो दिस प्लेस अकोमोडेट्स अ लॉट ऑफ पीपल, तो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बचपन में अंधे आए थे और अभी 60-70 ईयर्स के हो चुके हैं, सो प्लीज़ ब्लेस दिस प्लेस एंड यू गाइस कैन डोनेट एंड हेल्प देम व्हेनेवर यू वांट। और इतना कुछ सीखने मिलता है पता है जब आप ऐसी जगह आते हो जहाँ पे मेरा सब सीनियर सिटीजन वो लोग उनके सारी चीज़ें एकदम टाइम पे 7 बजे नाश्ता 12 बजे लंच फिर डिनर और इतने ज़्यादा खुश रहते हैं और लाइफ में इतने कंटेंट रहते हैं वो लोग कि यार इसमें हम खुश हैं, तो इतना कुछ सीखने मिलता है कि ज़िंदगी में हमें जितना भी मिले कम है ना, तो इनसे हमें वो पेशेंस सीखने मिलता है और यही मिलता है सीखने के लिए यार जितनी चादर है उतनी उतने पैर फैलाओ और बस दुआ करो और जितना अच्छा कर सकते हो उतना करते रहो। Do the honors, please. Okay, ma'am. Arun